बाबा साहब आंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में एक बात साफ कही थी। वे इस बात को लगातार कहते थे कि भारत का औद्योगिकरण बहुत अनिवार्य है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस समय से वो सोचते थे, एक तरफ लेबर रिफॉर्म करते थे, लेबर के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन राष्ट्र के लिए औद्योगिकरण की वकालत करते थे। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज क्या हाल है, जो लेबर की सोचता है वो उद्योग की सोचने को तैयार नहीं, जो उद्योग की सोचता है वो लेबर की सोचने को तैयार नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर थे जो दोनों की सोचते थे, क्योंकि राष्ट्र निष्ठा की तराजू से तोलते थे, और इसलिए वो दोनों की सोचते थे। और उसी का परिणाम यह है कि बाबा साहब औद्योगिकरण के पक्षकार थे। और उनका बड़ा महत्वपूर्ण तर्क था, वो साफ कहते थे कि मेरे देश के जो दलित पीड़ित शोषित हैं उनके पास जमीन नहीं है, और हम नहीं चाहते कि वो खेत मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें, हम चाहते हैं कि वो उस मुसीबतों से बाहर निकले। औद्योगिकरण की जरूरत इसलिए है कि मेरे दलित पीड़ित शोषित वंचित लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो जाएं, उसलिए औद्योगिकरण चाहिए। दलित पीड़ित शोषितों के पास जमीन नहीं है, खेती उसके नसीब में नहीं है, खेत मजदूर के अपने जिंदगी क्या यही गुजारा करेगा क्या? और इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने इन बातों को बल दिया, औद्योगिकरण को बल दिया।